हेलो बच्चा पार्टी। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस की थी, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस की थी, आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, साथ में एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इन सब के बारे में बहुत ही डीपली डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। आपकी एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है ये किस नाम से है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है ना। तो वो टॉपिक और ये टॉपिक सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स कहें या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन कहें, एक ही चीज है ना। तो यहां पर जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज फिर हम पढ़ने वाले हैं, है ना, जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, रिड्यूसिंग नेचर, एसिडिक कैरेक्टर, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कुछ इस तरह से। ठीक, चलिए। तो अब सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जब भी हाइड्रोजन के साथ में ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कौन से टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, H2E टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है ना। E क्या है यहाँ पर, ग्रुप 16 के मेंबर्स। ठीक है, तो जब भी ग्रुप 16 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो H2E टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म द हाइड्राइड्स ऑफ टाइप H2E, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया H2E टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब E क्या है यहाँ पर लिखा है, E इज इक्वल्स टू ग्रुप 16 मेंबर्स, है ना, E ग्रुप 16 के मेंबर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब ये कुछ नाम है हाइड्राइड्स के और इनके फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूला है H2O, आपको पता ही है, वाटर होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2SE हाइड्रोजन सेलिनाइड, फिर H2TE हाइड्रोजन टेल्यूराइड। तो ये नाम और फॉर्मूले हो चुके हैं ग्रुप 16 के, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के। चलिए, अब यहाँ पर हैशटैग मैंने लगाया है क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इनके बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको लिखना है ना, बेसिक कैरेक्टर या रिड्यूसिंग नेचर, आपका रिड्यूसिंग नेचर का जो ऑर्डर है वो लिखना है ना, बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो लिखना है। तो इस तरह से अरेंज करने के लिए आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है गाइज आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट लिखा है बॉन्ड एंगल, क्या लिखा है इसमें, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बड़ा सिंपल है, यहाँ लिखा है डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में क्या था, लोन पेयर प्रेजेंट रहता था, तो वहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता था, जिसकी वजह से वहाँ पर भी बॉन्ड एंगल में वेरिएशन हमें देखने को मिलता था। यहाँ पर भी जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इसी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है बॉन्ड एंगल का, सबसे पहले H2O है, फिर H2S, H2SE एंड लास्ट में है H2TE। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि जब इनको हम हीट करते हैं, है ना, तो ये स्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं या कितने स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो उसका ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, तो क्या लिखा है इसमें, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन EH बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो डिक्रीज होता जाता है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी लिखा है, इंक्रीज इन EH बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो है EH का वो इंक्रीज हो जाता है, है ना। देखिए मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले कौन सा मेंबर आता है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन ही आता है। ठीक है, तो O H बॉन्ड लेंथ छोटा है, फिर उसके बाद में आता है सल्फर, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बड़ा है, फिर उसके बाद में आता है सेलिनियम, सेलिनियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड थोड़ा सा और बड़ा है, फिर आता है टेल्यूरियम, है ना, तो TE एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड और बड़ा है। इसी तरह से पोलोनियम भी आता है, तो पोलोनियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है,
है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में छोटा बॉन्ड है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो पोलोनियम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा है ना। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी हम इन्हें देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है H2O। ठीक है, और एक रीजन इसका यह भी है कि यहां पर इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, सो इसीलिए ये मोर स्टेबल होगा अदर हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो H2O इज मोर स्टेबल कंपाउंड। ठीक, फिर नेक्स्ट है H2S, फिर H2SE, फिर H2TE एंड लास्ट में है H2PO। रीजन सिर्फ साफ है, इतना सा है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाता है तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, देखिए यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है तो अच्छी बॉन्डिंग है, यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी हमें मतलब हीट जो है वो हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, और यहां पर थोड़ी सी हीट में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस बॉन्ड के कंपेरिजन में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज होती जाती है डाउन द ग्रुप। ठीक, चलिए नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। इसमें क्या लिखा है, ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट H2O एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना, H2O को छोड़ के जितने भी हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 16 के वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर को हम कैसे मेजर करते हैं, है ना, हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, कुछ इस तरह से। जैसे कि हमने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में भी यही देखा था, हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी कितनी है, कितनी सही है या कितनी अच्छी है ना, हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर रहा है या हाइड्रोजन डिफिकल्टी के साथ में दे रहा है ना। तो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिड्यूसिंग नेचर है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, द रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, है ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है सेंट्रल मेटल एटम का तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग नेचर है हाइड्राइड्स का वो भी इंक्रीज होता जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिखा है दिस इज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ EH बॉन्ड, EH बॉन्ड वीक हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाएंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाएगा तो बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी। ठीक है, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चे हैं वो एक तो घर पे रह के पढ़ते हैं और दूसरे हॉस्टल में या रूम लेकर के पढ़ते हैं, बाहर स्टडी करते हैं, तो अगर घर पे पढ़ते हैं तो एक जो पेरेंट्स है उनका डर रहता है ना, वो ध्यान से पढ़ते हैं, टाइम पे पढ़ते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, खेलने का काम टाइम पर करते हैं, तो कुछ इस तरह से सब टाइम टू टाइम होता है। बट अगर रूम लेकर रह रहे हैं, वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ पर इतना डिसिप्लिन नहीं होता है, तो वहाँ पर जो पेरेंट्स की पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, फ्रीली इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इसको इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। तो घर पे अगर हैं तो पेरेंट्स का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, टाइम टू टाइम होता है जो भी कुछ होता है सब कुछ। ठीक है, और अगर बाहर रहते हैं तो पेरेंट्स का जो बॉन्डिंग है बच्चों के साथ में वो इतनी नहीं रह पाती है ना। तो यहाँ पर यही है कि जितना ज़्यादा दूर है पावर उतनी ही कम है, जितना ज़्यादा पास में है पावर उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बात को आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे बॉन्ड लेंथ वाली चीज़ को। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो है, जो EH बॉन्ड है वो वीक हो जाता है क्योंकि दूर दूर है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से, है ना, जो EH बॉन्ड का पावर है वो वीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो लिखा है आपके सामने H2O, फिर H2S, H2SE एंड H2TE, तो ये रिड्यूसिंग नेचर होता है। और रिड्यूसिंग नेचर को किस में हम देखते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखने वाले हैं। चलिए गाइज, अब नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर है एसिडिक नेचर और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर में क्या लिखा है, H2O इज न्यूट्रल इन नेचर व्हाइल एसिडिक नेचर इंक्रीजेज फ्रॉम
H2S to H2TE. This is due to increase in bond length on moving down the group, which leads to increase H plus releasing tendency. है ना, देखिए एसिडिक नेचर, एसिड का मतलब क्या होता है, जो H प्लस डोनेट करता हो, है ना, एसिडिक नेचर का मतलब क्या, H प्लस जो डोनेट करता है उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताया था, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ छोटी है, फिर आता है सल्फर, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बड़ी है, फिर सेलेनियम हाइड्रोजन, फिर टेल्यूरियम हाइड्रोजन, और लास्ट में आता है पोलोनियम हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी है वो अच्छी हो जाएगी, है ना। इसके कंपैरिजन में पोलोनियम या टेल्यूरियम की अगर हम बात करें तो ये जल्दी से H प्लस डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना कंपैरेटिवली इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस जो है वो इजीली डोनेट कर देगा टेल्यूरियम। सो इसीलिए जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पर यह है कि H2O क्या है, न्यूट्रल है ना, नेचर में क्या होता है H2O न्यूट्रल होता है। तो इसका ऑर्डर मैंने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर H2O, फिर आता है H2S, ठीक है। तो यहाँ पर जो H2O है ये तो न्यूट्रल है, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, एसिडिक नेचर, ओके। तो कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, किसका, एसिडिक नेचर का, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, ओके, क्लियर है एसिडिक नेचर। चलिए अब नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखा है बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, द एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। H2O में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है ना। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, फिर से ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर से आ जाएगा ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, H बॉन्डिंग जो है ये पॉसिबल हो पाती है H2O के मॉलिक्यूल में। सो इसीलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन, इसीलिए जो H2O है ना, वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई रहेंगे, है ना, अदर हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं आगे क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम H2S टू H2TE बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, है ना। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो होती ही है H2O में, अब जो दूसरे हाइड्राइड्स हैं वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वहाँ पर है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या काम करेगा वहाँ पर, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है ना, ऑक्सीजन से नीचे नीचे आएंगे हम टेल्यूरियम पोलोनियम तक, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा सेंट्रल एटम का, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स भी अच्छा अप्लाई होगा, अच्छा काम करेगा। सो इसीलिए जो H2O है ना, यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं जो इसका ऑर्डर है वो, ठीक है, देखिए H2O, अब यहां पर जो H2O है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन सभी से हाई रहेगा, याद रखिएगा, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर है एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बस H2O में ध्यान रखना है, H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है इन दूसरे हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर जैसे जैसे H2S, H2SE, H2TE तक जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छा लगता है इनमें, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की। तो आई होप जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है।